इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं जो टेट प्लेस करने वाला हूँ वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप टेट प्लेस कर सकते हैं। जब सपोर्ट लेवल पे अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप कॉल के लिए टेट प्लेस करें। अगर रेजिस्टेंस लेवल पर आपको रिजेक्शन मिले तो कोर्ट के लिए प्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेवल लगा देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट लेवल है तो मैं यहाँ से लगाने वाला हूँ। तो इस जगह पे जो है मैं लेबल लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लेबल लगा लेता हूँ वीक पे और एक मैं लगा लेता हूँ बॉडी पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेबल लगा दिया है। अगर मुझे यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो मैं यहाँ पे टेट प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन मिला है, ये ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। वेट करते हैं ऊपर आने के लिए, ठीक है। इसने रिजेक्शन दे दिया है और ये जो मैं नीचे आएगा तभी मैं प्लेस करूँगा, और ये मैं प्लेस कर दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से इसने स्पीड से रिजेक्शन दिया है, ठीक है। उसके बाद ही मैंने प्लेस किया कॉल के लिए। तो इस तरह का अगर आपको स्पीड से रिजेक्शन मिलता है, और यहाँ पे गैप डाउन देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। तो वेट करते हैं कैंडल के क्लोज होने का। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कैंडल है ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप टेट प्लेस कर सकते हैं। और मैं वेट करता हूँ यूएसडी जेपीवाई का, और एक चार्ट मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको वेट करना पड़ता है। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है लॉस ही लॉस होगा। यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ठीक है। नीचे ऊपर कोई है तो मैं फिर से लगाता हूँ। ऊपर जो है यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नीचे। इसको ड्रैग करके ये जो लेवल है, ठीक है, इस जगह पे जूम कर देता हूँ मैं, और इस जगह पे सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ से कैंडल रिजेक्शन देता है तो मैं, लेकिन ब्रेकआउट दे दिया है तो यहाँ से मैं प्लेस नहीं करूँगा, ठीक है। तो अदर चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल चाहिए। अगर मिलता है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस जगह पे मैं एक और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे है एक लेवल और इस जगह पे एक लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर लिया है लाइन। आप देख सकते हैं ऊपर से इसने रिजेक्शन दे दिया है। तो वेट करते हैं। और ये मैंने प्लेस कर दिया है क्योंकि इसने रिजेक्शन दे दिया है, ठीक है, ऊपर से। इसीलिए मैंने ये जो ट्रेड लिया है पुट के लिए प्लेस किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर, और रेजिस्टेंस लेवल होता है तो पुट के लिए प्लेस करते हैं। और यहाँ से इसने रिजेक्शन दे दिया है ऊपर से, आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट के लिए ये ट्रेड प्लेस किया है। तो वेट करते हैं कैंडल के क्लोज होने का। और ये जो चार्ट है ये है EUR JPY का। तो और एक मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर इस तरह आपको मिलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे तो आप जो है ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ट्रेड प्लेस किया है पुट के लिए, ठीक है।
तो वेट करते हैं रिजल्ट का, और रिजल्ट जो है आपके सामने कुछ ही देर में आ जाएगा। तो इस तरह से जब आपको मिले सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे, तो आप जो है यहाँ पे ट्रेड प्लेस करें, तो यहाँ पे आपको 100% विनिंग रेशियो मिलेगा। तो ये रहा, दो ट्रेड मैंने यहाँ पे विन कर लिया हूँ, और यहाँ पे फिर से देखता हूँ कि अगर मिलता है मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा, अदरवाइज फिर से देखते हैं। अगर ये ऊपर जाता है और ऊपर जाके रिजेक्शन देता है तो मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, और क्योंकि फिर से ये कैंडल जो है नीचे ही जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, इसलिए मैंने ये फिर से पुट के लिए प्लेस किया है। इस ट्रेड के बाद मैं ट्रेड क्लोज करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह का सिग्नल मिलता है तो आप जो है ट्रेड प्लेस करें, तो आप जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर 100% जो है विनिंग रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग बोलते हैं कि बड़ा वीडियो बनाऊँ, बड़ा वीडियो बनाऊँगा कि दोस्तों आप लोग कुछ बोर हो जाएंगे बड़ा वीडियो बनाऊँगा तो, ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाता नहीं हूँ। और अगर दोस्तों आप वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ देखने के लिए।